देखिए पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक। तो दोस्तों आज की जो आपकी फरमाइश ली गई है वो है पल पल दिल के पास, जो कि मेरा भी बहुत ही फेवरेट गाना है, जिसको गाया है सबके फेवरेट अरिजीत सिंह ने और उनका साथ दिया है परंपरा ठाकुर ने। तो चलिए सीख लिया जाए इस शानदार गाने को बहुत ही सरल तरीके से नोटेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो चलिए शुरू करते हैं। इस गाने को हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टिव के जी शार्प से, और अगर आप इस गाने को हारमोनियम पर सीख रहे हैं तो ये आपकी चौथी काली है। पहली काली, दूसरी काली, तीसरी काली, चौथी काली। तो इस गाने के लिए जो मैं टोन यूज़ कर रहा हूँ वो सिंपल वही है पियानो वाली। ठीक है, तो गाने की जो पहली लाइन है वो है रहना तू पल पल दिल के पास। वैसे रहना नहीं है, पंजाबी भाषा का इस्तेमाल हुआ है, मगर मेरे बोलने में कोई गलती ना हो इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। देखिए पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। ठीक, चलिए अब इसको धीरे धीरे समझ लेते हैं। रे ना तू ऊ पल पल दिल के पास। ठीक, रहना के लिए जी शार्प, ई, ई हमारा पहुंच गया हायर ऑक्टेव पर। इसके बाद तू, डी शार्प, बी, डी शार्प हायर ऑक्टेव और बी आ गए मिडिल ऑक्टेव। ठीक, इसके बाद पल, सी शार्प हायर ऑक्टेव, फिर पल, फिर से सी शार्प, फिर दिल, फिर से सी शार्प, फिर के लिए सी शार्प, एफ शार्प। ठीक है, दोनों हायर ऑक्टेव। इसके बाद पास, पास के लिए वापस डी शार्प पर हायर ऑक्टेव। तो सिंगल फिंगर से देखिए, रहना तू पल पल दिल के पास। ठीक, बहुत ही सिंपल लाइन थी। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस गाने में मेरे ख्याल में 30 के लगभग लाइनें तो होंगी पक्का। इसलिए मुझे हर एक लाइन को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अच्छे से समझाना पड़ेगा, क्योंकि हर एक लाइन में जो नोट्स हैं वो कहीं ना कहीं चाहे थोड़े ही सही मगर अलग हैं। तो अगर एक ही वीडियो में हमें इस गाने को पूरा करना है तो मेरे ख्याल में मुझे फटाफट आपको सिखाना पड़ेगा। जिस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ एक लाइन को, मुझे लगता है इस वीडियो में मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आज हम इस गाने को थोड़ा जल्दी जल्दी सीखेंगे। वैसे नोटेशन आपको स्क्रीन पर दिखाई देते रहेंगे, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, मगर एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताऊँगा। तो पहली लाइन जो थी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप फटाफट दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी लाइन है जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। देखिए ये लाइन भी यहीं से शुरू होगी जी शार्प से, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस। इस तरीके से सिंगल फिंगर, अब इसके बाद जो ये पार्ट है ये परंपरा ठाकुर वाला, खुद पे पहले ना। तो इसको शुरू करने के लिए हम आ जाएंगे सी शार्प पर, यहां से हम इस लाइन को शुरू करेंगे, खुद पे पहले ना। सिंगल फिंगर से अब इसके बाद है इतना यकीन, अब इसके बाद है मुझको हो पाया। सिंगल फिंगर से अब इसके बाद लाइन है मुश्किल सी घड़ियां आसान हुई। सिंगल फिंगर से अब इसके बाद लाइन है अब जो तू आया। अब इसके बाद लाइन है एक बात कहूं तुझसे तू पास है जो मेरे, बहुत ही प्यारी लाइन है। तो ये लाइन शुरू होगी सी शार्प से। तो पहले सीख लेते हैं एक बात कहूं तुझसे, पहले इतना सीख लेते हैं।
इसके बाद तू पास है जो मेरे, और इसके बाद है बहुत ही प्यारी लाइन, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। तो पहले सीख लेते हैं सीने से तेरे सर को लगा के। स्लो देखिए, और इसके बाद है सुनती मैं रहूं नाम अपना। सिंगल फिंगर से देखिए, अब इसके बाद फिर से ये लाइन रिपीट होगी, सीने से तेरे सर को लगा के सुनती मैं रहूं नाम अपना। मगर यहां पर अब दो जगह नोट्स जो है वो चेंज हो गए हैं, ये आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख लेना। जब आप दोबारा प्ले करेंगे इस लाइन को तो कहां पर चेंज करना है ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएगा। और इसके बाद फिर से अरिजीत सिंह की लाइन आती है, और लिख दी तेरे नाल जिंदड़ी जानी है, जो कि हम स्टार्ट करेंगे जी शार्प से, यहाँ से, ठीक है। देखिए, तो ये वही लाइन है जो स्टार्टिंग में हमने सीखी थी, अरिजीत सिंह की लाइन, रहना तू पल पल दिल के पास, तो ये वही सेम टू सेम है, ठीक है। और इसके बाद है बस रहना तेरे नाल वे जूरी है, इसको सिंगल फिंगर से देख लीजिए, बस रहना तेरे नाल वे जूरी है। ठीक, इसके बाद रहना तू पल पल दिल के पास, तो ये वही है जो हमने स्टार्टिंग में सीखी थी, रहना तू पल पल दिल के पास, सेम टू सेम वही रिपीट कर देंगे। और इसके बाद जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, सिंगल फिंगर से देखिए, ठीक। इसके बाद सीने से तेरे सर को लगा के सुनता मैं रहूं नाम अपना। तो पहले जो हमने सीखी थी वो सीखी थी मिडिल ऑक्टेव के सी शार्प से, यहां से, ठीक। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे हायर ऑक्टेव पर, सी शार्प, वहीं करेंगे सेम नोट मगर हायर ऑक्टेव पर, ठीक। तो हमको यहां से वो लाइन प्ले कर देनी है, बस लास्ट में थोड़ा सा चेंज है अरिजीत सिंह की जो लाइन है, वैसे तो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा पर मैं आपको एक बार बता भी देता हूं, नाम अपना देखिए, और फिर ओ, फिर से वही नाम अपना, ठीक है, समझ गए। फिर से देखिए, नाम अपना, और फिर, और उसके बाद फिर से नाम अपना, बस ये थोड़ा सा चेंज था। अब इसके बाद लाइन है नाल तेरे एक घर में सोचा, स्लो देखिए, ठीक। और इसके बाद जो लाइन है उसके जो बोल हैं वो मेरे को ढंग से समझ में नहीं आए, काफ़ी मैंने सुना मगर मेरे को समझ में नहीं आया वो क्या था, भारी खोला तो चंद दिख जावे ऐसे ही कुछ है। तो बस मैं धुन के अकॉर्डिंग आपको प्ले करके बता दे रहा हूँ, शब्द मुझे समझ में ढंग से आए नहीं, तो धुन के हिसाब से मैं बस प्ले करके दिखा दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, ठीक है। शब्द आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा क्या है, ठीक, इस तरीके से प्ले करना है इसको, सिंगल फिंगर से देख लीजिए, ठीक। और इसके बाद है अखांच बीतन राता सारियाँ, ये भी सेम वैसे ही प्ले करेंगे, नाल तेरे एक घर में सोचा, ठीक है, सेम वही है, अखांच बीतन राता सारियाँ, ठीक है, सेम वही है। और इसके बाद जे मन लागे थे अख ना लागे, अब इसके बाद प्यार ही होने ते प्यार ही खोना, पंजाबी मेरी अच्छी नहीं है इसलिए माफ कीजिएगा कुछ गलती हो जाए तो, ठीक है।
उसके बाद विच कोई आवे ते प्यारी आना। ठीक है, सिंगल फिंगर से देखिए। ठीक, इसके बाद लाइन है दुनिया ते विच असी दुनिया तो दूर, ये भी वही है सेम। ठीक, इसके बाद है स्लो देखिए। हर सपना, ठीक, और इसके बाद वही लाइन रिपीट होगी सीने से तेरे सर को। ठीक, अब इसके बाद है तेरी उंगलियों से आसमां पे खींचूं एक लंबी लकीर। तो पहले देख लीजिए, तेरी उंगलियों से आसमां पे, सिंगल फिंगर से देखिए। अब इसके बाद खींचूं एक लंबी लकीर, ठीक, इसके बाद आधा तेरा आधा मेरा इस जहां में हम दो अमीर। तो पहले देखिए आधा तेरा आधा मेरा, आधा तेरा आधा मेरा, इसके बाद इस जहां में हम दो अमीर। सिंगल फिंगर से देखिए। ठीक, अब इसके बाद है कोई नजर ना आए मैनू, देखिए। ठीक, और इसके बाद है तू दुनिया तो वक्री हो गई। यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, वक्री है कि कुछ और है आप देख लीजिएगा। तो तू दुनिया तो वक्री हो गई, ठीक है, और इसके बाद उठा तैनू तकदा जावा तू ही मेरी नौकरी हो गई। तो ये वाली लाइन बिल्कुल सेम वैसे ही प्ले करनी है जैसे इससे पहले हमने सीखी है। ठीक है, स्क्रीन पर आपको नोट्स भी दिखते रहेंगे, आप वहाँ से हेल्प ले लीजिएगा। लाइनें बहुत सारी अभी भी बाकी हैं, मैं फटाफट जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। और इसके बाद आती है परंपरा ठाकुर की लाइन जो कि बहुत ही प्यारी लाइन है, दूरियाँ एक पल भी ना गवा रहा हूँ। सिंगल फिंगर से देखिए। और इसके बाद चल घूमे दुनिया फिर संग आवारा हो। सिंगल फिंगर से। अब इसके बाद फिर से लाइन आती है सीने से तेरे सर को लगा के, जो कि अरिजीत सिंह की लाइन है। और अब ये लाइन बिल्कुल चेंज हो जाएगी, लिरिक्स सेम है मगर नोटेशन बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। अब इस लाइन को प्ले करने के लिए हम पहुंच जाएंगे सी शार्प पर, हायर ऑक्टेव के। ठीक है, देखिए किस तरह से प्ले होगी ये लाइन, सीने से तेरे सर को लगा के। अब बिल्कुल नोट्स चेंज हो गए इसके, देखिए। इसके बाद लगा के, ये सेम है। ठीक, इसके बाद सुनता मैं रहूं नाम अपना, और इसके बाद वही लाइन रिपीट करेंगे, रहना तू पल पल दिल के पास। और लास्ट में जो प्ले होगी, जुड़ी रहे तुझसे हर एक सांस, इसको थोड़ा सा अलग कर देंगे, देखिए एंड करेंगे थोड़ा अलग करके। इस तरीके से एंड करेंगे, सिंगल फिंगर से देखिए।
फाइनली कंप्लीट हो गया, और अब मुझे आप लोगों के लिए इतनी सारी लाइनों के नोट्स लिखने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए अब मैं आपके इस वीडियो को तैयार करने के लिए बाकी के काम पे लग जाता हूँ, और जब आपके पास ये वीडियो आएगा और आपको अच्छा लगेगा तो आप भी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।